वृक्ष, ये जो वृक्ष देख रहे हो काफी सारे वृक्ष थे यहाँ। तो जब नंद बाबा यहाँ आए और वो जब जंगल इस घने वन में प्रवेश किया उन्होंने, तो उसी समय क्या हुआ कि अभी जैसे हम देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा अंधकार है, तो उस समय काफी यहाँ अंधकार हो गया, बादल छा गए, हल्की हल्की वर्षा होने लगी और अंधकार हो गया, बिजली कड़कने लगी और धीरे धीरे तूफान आने लगा। तो नंद बाबा डर गए कि हो क्या गया घनघोर जंगल में। नंद बाबा ने सोचा अगर मैं अकेला होता तो कोई बात नहीं थी, अब मेरे साथ कौन है, मेरा छोटा लाला कृष्ण है ना। उनको बड़ी चिंता सताने लगी, अब मैं क्या करूं। तभी क्या हुआ, वहाँ एक प्रकाश हुआ और उन्होंने देखा एक बड़ी सुंदर युवती, बड़ी सुंदर बालिका आ रही है और इतना उस बालिका के मुख में बड़ा तेज और दिखने में बड़ी सुंदर, अति सुंदर। और वो आई, उन्होंने नंद बाबा के सामने हाथ पसार दिए और कहा कि ये बालक मुझे दे दो। और नंद बाबा देखने लगे, करते तो क्या ना करते, उन्होंने देखा उसको देवी इतनी सुंदर बालिका, उन्होंने कान्हा को उनके हाथ में दे दिया। और वो कौन थी, स्वयं श्रीमती राधा रानी। अब राधा रानी तो बड़ी बालिका और कृष्ण कितने छोटे बालक रूप में। फिर क्या हुआ कि भगवान कृष्ण और राधा रानी जब इधर आए तो क्या हुआ, भगवान कृष्ण अपने अपना पूर्ण रूप यहाँ पे प्रकाशित किया। राधा रानी और कृष्ण भगवान दोनों के दोनों समान आयु के हो गए और यहाँ ललिता, विशाखा आदि आदि अन्य अन्य सखियाँ सारियाँ क्या हुई, सारी की सारियाँ प्रकाशित आई। जब ब्रह्मा जी ने देखा, सारे देवी देवताओं ने देखा कि राधा कृष्ण का यहाँ भांडीर वन में मिलन हुआ है, तो उनकी मनोकामना को जानते हुए ब्रह्मा जी यहाँ स्वयं उपस्थित हुए और उन्होंने यहाँ पर राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया, उनके यहाँ पर माला बदलवाई और पूरा गंधर्व विवाह हुआ राधा कृष्ण का। और यहाँ पे बड़ा सुंदर सुंदर नृत्य गान सब कुछ हुआ, जैसा होता है विवाह के समय में नृत्य होता है, कीर्तन होता है, गान होता है, सब कुछ यहाँ बड़ा सुंदर हुआ। सारे के सारे देवी देवताओं ने यहाँ पुष्पों की वर्षा की और बड़ा सुंदर यहाँ पे विवाह संपन्न हुआ राधा कृष्ण का। जब विवाह संपन्न होने के बाद फिर दोबारा कृष्ण भगवान अपनी वही बाल रूप में आ गए और नंद बाबा के पास उनको दे दिया गया। और उसके बाद दोबारा अपना मौसम जो था नॉर्मल हो गया और नंद बाबा कृष्ण को लेके वापस आ गए। तो बताया कि इसी स्थान पे राधा कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ था। तो अगर कभी जगत में लोग बोलेंगे ना कि नहीं भैया राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था, वो क्या है, प्रेमी प्रेमी का, तो ऐसा नहीं है ना, हमारे शास्त्रों में वर्णित है इसी स्थान पे राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। और एक और बात यहाँ पे पास में बताया गया, खादिर ये जो वन है यहाँ पे बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। एक बार कृष्ण अपने सखाओं के साथ गौचारण के लिए यहाँ आए हुए थे, तो जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ जब जाते थे तो देखते थे कि नंद बाबा, माँ यशोदा, गोपियाँ सब उनको देखती थी कि ये सब के सब कहाँ जा रहे हैं गौचारण के लिए। तो जब वो गौचारण के लिए जाते थे तो नंद सारे कृष्ण सखा बिल्कुल सरी बच्चों की तरह बिल्कुल धीरे धीरे चलते थे, पीछे मुड़ते हुए देखते जाते थे। और जैसे ही वो देखते थे कि हम अपने नंद बाबा, अपनी माता, गोपियों से, अपने गुरुओं से हम क्या हो गए, ओझल हो गए, फिर वहीं से उनकी चंचलता शुरू हो जाती थी, वही दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना और यहाँ आके हम पहुँच जाते थे। जब वो यहाँ पहुँचते थे बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएँ करते थे, आपस में खाते थे, कुछ बच्चे उनको लील बंदर की तरह नाच दिखाते थे, कुछ कूदते थे, फिर कृष्ण के सामने कुछ नृत्य करते थे, तो कृष्ण को एक कृष्ण की तरह एक्टिंग करके दिखाता था। तो बड़ा सुंदर सुंदर बालक यहाँ पर आपस में खेलते थे। तो एक बार वो क्या करा, सबके सब बालकों ने यहाँ पे सहभोज हुआ, मिलके अपना भोजन करने लगे। तो इसी बीच किसी को याद नहीं रहा और सारी की सारी जो गैया थी वही एक पास में जंगल है मुंजा टवी उस स्थान में वो चले गई। तो बताया गया इतना सघन जंगल था कि वह हाथी भी पार नहीं जा सकता था, तो उस जंगल में वो जैसे तैसे करके अंदर चली थी गई, लेकिन वो वहाँ अंदर रास्ता भटक गई। अब जो गोप थे वो भी उनको ढूंढते ढूंढते वहाँ अंदर चले गए। जब वो अंदर चले गए तो उनको बाहर जाने का कोई मार्ग नहीं दिखा। और तभी एक कंस का कोई एक दूत था, जब उसको पता चला कि सारी की सारी गैया गोप सारे के सारे अंदर चले गए हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसमें अंदर जंगल में आग लगा दी। और जब आग लगा दी सारी गैयाएं गोप सारे के सारे चिल्लाने लगे और कृष्ण को पुकारने लगे। जब भगवान कृष्ण ने सुना कि ये सारे गोप गैया मुझे पुकार रही हैं, तो वहाँ उपस्थित हुए और उनको देख के सबको बड़ी दिलासा आई कि अब कृष्ण आ गए तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो कृष्ण ने बोला कि अब देखा कृष्ण ने कि सारे के सारे गोपी सारे गोपाल गैया हम उनको देख रही हैं,
अब भगवान कृष्ण चाहते थे कि ये सारी आग बुझ जाए, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, सारे अपने सखाओं से बोला, आप सब लोग क्या करो, अपनी आंखें बंद कर लो। तो सारे के सारे सखा जानते थे कि कृष्ण कुछ ना कुछ जानता है, क्योंकि जब ये बचपन में गर्गाचार्य आए थे तो उन्होंने बताया था कि इनमें इनके ऊपर नारायण की विशेष कृपा है। तो वो सब बालक जानते थे कि भगवान कृष्ण के ऊपर कोई विशेष कृपा है, ये कुछ जानते हैं, कुछ जादू जानते हैं। तो सारे बालक थे वो आंखें बंद करने लगे, कुछ बालक आंखें खोल के देखने भी लगे। तो कृष्ण ने देख लिया उन्हें, तो बोला नहीं, सारे के सारे क्या करो, अपनी आंखें बंद कर लो। तो जब कोई आंख बंद नहीं कर रहे, सारे के सारे जो है गोप अपनी आंखें बंद कर लो। तो सब जब सब लोगों ने आंखें बंद की तो भगवान ने क्या किया, सारी की सारी जो अग्नि थी ना उसका पान कर लिया, सारी अग्नि को अपने अंदर पान कर लिया उसको, और सारी आग बुझ गई। तो यहाँ पर हमारे टीकाकार कई कारण बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने जो आग पान की, अग्नि का जो पान किया, तो उन सब गोप छे छो गैयाओं के सामने सबकी आंखें क्यों बंद कराई, तो इसके कई कारण बताए गए। तो सबसे पहले इसका कारण ये बताया गया कि जब भगवान कृष्ण ने, अभी हमने गए थे ना जहाँ ब्रह्मांड घाट में, वहाँ क्या खाई थी, माटी खाई थी। तो जब भगवान ने वहाँ माटी खाई थी तो सारे गोप गोपी बलराम जो भी थे सब लोगों ने भगवान की क्या कर दी थी, शिकायत कर दी थी। तो माता यशोदा ने उनको बहुत डांटा था, तो उन्होंने सोचा अगर मैंने इस बार आग पान कर ली तो क्या करेंगे, माँ यशोदा को बुलाएंगे और माँ यशोदा मुझे बहुत पीटेगी। तो पहला कारण ये था, उन्होंने कहा कि तुम सब अपनी आंखें बंद कर लो। और दूसरा कारण ये बताया गया कि कृष्ण जानते थे कि सारे के सारे जो गोप है ना, ये मुझे बहुत प्रेम करते हैं, अगर ये मुझे आग पान करते हुए देखेंगे ना तो इनसे सहन नहीं होगा, और ये सहन नहीं होगा तो क्या करेंगे, विरह में हो सकता है ये मेरे विरह में अपने प्राण त्याग दें। तो दूसरा कारण ये बताया गया, और कई अन्य कई कई कारण बताए गए। और तीसरा कारण है कि भगवान कृष्ण उनको बोला था कि तुम आगमन कर लो, क्योंकि तीसरा कारण है कि जो कृष्ण के सखा है वो जानते हैं कि हमारा जो कृष्ण है उसको एक मंत्र पता है, और वो मंत्र तभी काम करेगा जब ये अकेले में होगा, अगर हम सबकी आंख खुली रहेगी तो वो मंत्र काम करने वाला नहीं, इसलिए सखा लोग आंख बंद कर लेते हैं। और चौथा कारण था, भगवान कृष्ण उनको बोला था आंख बंद करने के लिए, चौथा कारण था, याद नहीं आ रहा, ये कारण बताए गए थे। तो सारे सखाओं ने फिर आंखें बंद की, तो भगवान कृष्ण ने वो सारी अग्नि पान कर ली, तो सारे सखाओं फिर अपने कृष्ण के साथ वापस आ गए। तो भगवान चौथा कारण था कि देखो जब आग लग गई थी और सखाओं को क्या बोला, आंख बंद कर लो, तो जब उन्होंने अपनी आंख बंद कर ली और जब आंख खोली तब क्या देखा, कहीं पे भी अग्नि नहीं है, सब कुछ भूल गए, किसको देखा, केवल कृष्ण को देखा। तो बताया कि संसार में भी क्या है, आग लगी हुई है, संसार दावा नल लीन लोका। तो जो योगी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, संसार के प्रति आंख बंद कर लेते हैं, और जिसने संसार के प्रति आंख बंद कर ली और फिर जब आंख खोल के खोलोगे तो क्या दिखेगा, गोविंद नजर आएंगे। तो जब तक संसार के प्रति आंख खोल के रखोगे तो संसार आपको क्या करेगा, ज्वाला ही देते रहेगा। लेकिन जब आप संसार के प्रति आंख बंद कर लोगे फिर किसके दर्शन होंगे, फिर ठाकुर जी के दर्शन होंगे, इसलिए आप लोग भी आंख बंद कर लेना संसार के प्रति। तो बताया गया था जो गैया थी ना वो जो घास खाने गई थी, घास क्या है, ये संसार है। हम क्या है, गैया जैसे चले गए संसार की तरफ, तो बताया गया संसार क्या है, दावानल है, जैसे बता रहे ना प्रभु जी, तो संसार क्या है, एक दावानल है। तो सारी गैया वहां घास खाने चले गई, तो उसी तरह फिर क्या हुआ, वहां अग्नि लग गई। तो संसार को क्या बताया, दावानल। तो वहां पे बताया गया कि हमें क्या करना है, भगवान का जब स्मरण करेंगे तो क्या होगा, तभी उस दावानल से हम बच सकते हैं। और यहाँ पे और भी अनेक लीला भी है, एक लीला बताई गई थी, एक असुर था, नहीं एक और था कोई, जिसको वत्सासुर, हाँ एक वत्सासुर नामक एक असुर था यहाँ। तो बताया गया, हमें गाय का वो बछड़ा टाइप का होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, बछड़े का रूप धारण करके आया हुआ था। तो यहाँ पे जब वो बछड़े का रूप धारण करके आया हुआ था तो भगवान कृष्ण ने क्या करा, उसका वध कर दिया। तो ये जो वध किया तो ये किनको पता चल गया, गोपियों को पता चल गया कि भगवान कृष्ण ने के गोवंश के एक बछड़े का वध किया है। तो जब भगवान कृष्ण गोपियों से मिलने आए तो गोपियों ने बोल दिया, दूर रहो हमसे, तुम हमारी परछाई को भी स्पर्श मत करना, क्यों, तुमने क्या करा है, एक बछड़े की हत्या की है, और अगर तुमने हमें स्पर्श किया तो क्या हुआ, हमें भी पाप लगेगा, तो हमसे दूर रहो। तो भगवान कृष्ण वहां बता रहे कि भैया मैंने तो असुर का वध किया है, कह रहे हम नहीं जानती तुमने असुर का वध किया, किसी का किया, लेकिन वो किसके रूप में आया था, एक बछड़े के रूप में आया था, और तुमने बछड़े को मारा इसलिए तुम हमसे दूर रहो, और हमें स्पर्श भी मत करना, स्पर्श तो दूर की बात, हमारे सामने भी मत आना, हमें अपनी परछाई से भी स्पर्श मत कराना।
तो भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है मुझे कुछ उपाय बताओ फिर। तो उन्होंने कहा अगर तुम सारे तीर्थों में स्नान कर लोगे ना तब जाके तुम पवित्र होंगे। तो भगवान ने कहा बस इतनी सी बात। तो भगवान ने क्या किया अपनी वेणी जो वेणु थी उससे एक छोटा छोटा सा सुंदर सा एक कुप बनाया कुआं और उसमें सारे तीर्थों का आह्वान किया और सारे के सारे तीर्थ आए और उसमें उन्होंने जल दिया। तो अभी जब भी हम यहाँ आए थे आप सब लोग देखो लोगों ने देखा होगा पास में एक कुआं था वेणुकूप उसका नाम है वेणुकूप। तो उसमें सारे के सारे तीर्थों का जल उसके अंदर है। अभी हम सोचते हैं कि यहाँ भी जाएंगे हरिद्वार जाएंगे प्रयाग जाएंगे देवप्रयाग जाएंगे सारे काशी जाएंगे। आप सब लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिसने यहाँ के जल का पान कर लिया और अपने ऊपर छिड़क लिया उसने सारे के सारे तीर्थों का सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। घर पे जाके बोलना गंगा यमुना सरस्वती नर्मदे कावेरी सब में स्नान करके आए हैं। हाँ, आप लोगों ने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया है। तो बताया कि इस कूप की इतनी महिमा है कि ये क्या कहता है मनोवांछा पूर्ण करता है। तो हमारे जैसे कि हमने कई लोगों ने हमने देखा भी है हमारे गुरुवर्गों के सामने कई चीजें हुई भी है कि जिसके घर में कोई परिस्थिति खराब है किसी की संतान नहीं हो रही किसी को कुछ नहीं हो रहा तो इस आके इस कुंड में अगर स्नान करता है तो उसकी मनोवांछा पूर्ण होती है। कम से कम हर साल महाराज जी 2-3 लोगों को यहाँ पे लेके आते हैं और जिनको कई सालों से संतान नहीं हो रही महाराज जी उनको उनका जल पान कराते हैं। ऐसे कितने ही कम से कम 25-30 लोगों को महाराज जी ही यहाँ से संतान की उत्पत्ति करवा के दे चुके हैं। इसलिए पूरे ब्रज में जिसको भी संतान नहीं होती तो मौनी अमावस्या के दिन सब लोग यहाँ पे आते हैं बहुत बड़ा मेला लगता है और उसमें स्नान करते हैं फिर सबको संतान की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। अब लोगों ने श्रवण किया है ये स्थान का नाम है भांडेरी भट्ट। भांडेरी भट्ट मतलब क्या है भा मतलब होता है प्रकाश भट्ट मतलब ये बरगद का वृक्ष है हैं? इस जिस बरगद वृक्ष को नीचे भगवान सुंदर सुंदर उन्होंने भा मतलब प्रकाश है सुंदर सुंदर उन्होंने लीलाओं को प्रकाश की है इसलिए ये बट का नाम है भांडेरी बट है। इसलिए अब लोग अभी अभी श्रवण कर रहे थे एक दिन क्या हुआ यहीं पर कृष्ण अपना सखाओं को साथ में जैसे मल्ल युद्ध होता है हैं यहीं पर मल्ल युद्ध कर रहे थे। मल्ल युद्ध करते करते इतने में ललिता विशाखा आदि सखियों ने आए राधा रानी को लेकर के इतने में ललिता विशाखा पूछे सखाओं को भैया तुम लोग करते हो क्या। बोले हम यहाँ पर मल्ल युद्ध करते हैं। ललिता विशाखा बोले मल्ल युद्ध मल्ल युद्ध तो कोई वीर पुरुष करते तुम लोग कहाँ गैया को पीछे डोलने वाले हैं मक्खन चोरी करने वाले तुम लोग मल्ल युद्ध कर वो तो बड़े बड़े वीर व्यक्ति करते हैं। इतने में गोपियों ने सखाओं ने कहा तुम लोग ऐसे कैसे बोलते हो जानते हो हमारे लीडर कौन है। बोले हमारे लीडर श्री कृष्ण। ललिता बोली तुमको पता है हमारे लीडर कौन है। बोले श्रीमती राधा रानी। बोले हो जाए दोनों में मल्ल युद्ध अभी पता चलेगा है अभी पता चलेगा। इतने में कृष्ण यहीं पर बड़े सुंदर हैं यहीं पर मैदान था कृष्ण सखाओं के साथ में मल्ल युद्ध कर रहे थे। इसमें दो कथा आती है। इतने में राधा रानी अभी कुंज में बैठी है राधा रानी कुंज में बैठी अभी राधा रानी अभी आएगी कृष्ण तो यहीं पर मेल फील्ड में कृष्ण खड़े थे। कृष्ण जब राधा रानी का नाम सुनते है ना पता नहीं उनका शरीर में कंपन होना शुरू किया थरथर थरथर कांपने लग गई। इतने में मधुमंगल श्रीधाम गतवल कन्या तू हमारी लीडर हो अगर तू हार जाएगा तो हमारी नाक कान कट जाएगी। अभी तो उनकी जो लीडर आए नहीं उनका नाम सुनते ही पता नहीं तेरे शरीर में थरथर कांपने लग गए। इतने में कृष्ण कहते पता नहीं ये राधा रानी का नाम सुनते ही हाँ पता नहीं मेरे अंदर में क्या हो जाता है। इसलिए हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती राधा रस सुधा नीति ग्रंथ में कहते हैं राधा रानी की प्रेम की महिमा कहते हैं बोले बंसी करान निपतित स्खलितम शिखंडम भ्रष्ट च पीत वसनम ब्रजराज सुनो। बोले राधा रानी की ऐसे प्रेम है जब राधा रानी एक बार कृपा कटाक्ष मतलब एक बार तिरछे नजर से कृष्ण को देख लेना यहाँ पर हमारे प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कृष्ण का जो बंसुरी वो अपने आप गिर जाती है स्वर्ग पर जो मौर मुकुट वो अपने आप गिर जाते हैं कृष्ण कभी कभी खुद भी गिर जाते हैं कृष्ण कभी खुद गिर जाते क्यों राधा रानी की प्रेम की इतने महिमा। इतने में राधा रानी कुंज में इतने में सुदामा मधुमंगल बोले कृष्ण ठीक से खड़े रहो हैं खबरदार हारना नहीं जितना है। इतने में राधा रानी कुंज से निकली और एक बार अपना तिरछी चितवन से कृष्ण को देखा मानो उनकी तिरछी चितवन नहीं मानो उनकी ये तीर है
हे कृष्ण की छाती पर लगा तो तीर इस पार से उस पार हो गया, कृष्ण युद्ध क्या करेंगे, इतने में कृष्ण वहीं पर गिर गए। जब गिर गए ना, जितने गोपियां जोर से ताली बजाई, जितने राधा रानी के दल के गोपियां ना जोर से ताली बजाए, श्रीमती राधा रानी की। कहते ये एक लीला हुई। दूसरा लीला हुई यहाँ पर, कृष्ण और राधा रानी के साथ में मल्ल युद्ध भी हुई। जब मल्ल युद्ध हुई, राधा रानी तो कृष्ण को पछाड़ दिए, और कृष्ण ऐसे गिर पड़े हुए और राधा रानी उनको ऊपर में। इतने में जितने राधा रानी का दल थे ना जोर से ताली बजाई, बजाओ जोर से ताली। इतने में कृष्ण ने बोले, भैया क्या चक्कर है, ताली क्यों बजा रहे? बोले तू हार गया, क्योंकि तेरे पीठ नीचे हो गया, राधा रानी तुम्हारे ऊपर बैठी हुई। बोले तुम चीत हो गई हो, पीछे पीठ नीचे लगना है, तुम चीत हो गए, इसे तू हार गया। कृष्ण बोले मैंने कैसे हार गया, राधा रानी हार गई। बोले कैसे? बोले किसका नाक ऊपर देखो, हम कहते ना तुम्हारा नाक नीचे कर दूंगा। अभी कृष्ण लेट पड़े हुए, कृष्ण का नाक तो ऊपर है, राधा रानी ऊपर है, मत राधा रानी का नाक नीचे है। बोले किसका नाक ऊपर देखो, इसलिए मैंने जीता, राधा रानी कहां जीती। कृष्ण के जितने सखा लोग जोर से ताली बजाए, अरे तुम लोग थोड़ी सखा के तरफ में, हम तो श्री राधा जी की तरफ में सब, इसलिए धीरे धीरे बजाए, दोनों की तरफ से बजाए। इसलिए यहाँ पर भगवान की मल्ल युद्ध हुई, और यहीं पर आप लोगों ने श्रवण किया है, कृष्ण ये जो वृक्ष है उसका टहनियां बड़ी दूर दूर तक लंबी थी, पास में यमुना भी, यहीं पर यमुना नदी भी बहती थी। ये टहनियां यमुना का इस पार से उस पार भी गई हुई थी, और कृष्ण लोगों सखाओं जाते थे ये वृक्षों में, जैसे छीखे होता है ना, जिसमें कोई लड्डू कचौड़ी मालपुआ बढ़िया बढ़िया लाते थे, इसी पेड़ में लटका देते थे, लटका करके कभी कभी इसी पेड़ में चढ़ करके यमुना का इस पार से उस पार तक चले जाते थे। इसलिए इसका नाम भा, भा मतलब होता है प्रकाश। इतने बड़ा प्रकाश था वृक्ष की, मील तक ये इसकी चौड़ी थी वृक्ष। अब कृष्ण सखा लोग पेड़ में चढ़ करके उसके पानी में भी छलांग लगाया करते थे, और यहीं पर बैठ करके आप लोग जो सुन रहे थे यही भोजन किया करते थे। और जो गैया है क्या देखा, जो गैया थे वो हरी हरी घास को देखे, हरी हरी घास को देख करके उसमें खाते 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 करके बड़े दूर तक चली गई। अभी सुन रहे थे ना कंस ने कैसे आग लगाई, बोले इसका तात्पर्य क्या है, बोले गोभी मतलब गैया, गैया मतलब गोभी, गो मतलब होता है इंद्रियां। इंद्रियां क्या करती है, हरी हरी घास को देख करके, मतलब ये जीव संसार ऊपर से क्या दिखती है, बड़ी सुंदर है। कितना दिल्ली का लड्डू जो खाया वो भी पछताया, और जो नहीं खाया वो भी, शादी का लड्डू, हाँ ये लोग सब शादी की है ना, पता उनके, शादी का लड्डू जो खाया वो भी पछताया, और जो नहीं खाया वो भी पछताया। इसलिए ऊपर से बड़ी सुंदर दिखती है संसार, लेकिन दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन है, जो खा के पछता रहे नहीं खा के पछता रहे? प्रभु जी पूछ रहे हैं जो खा करके पछताते अच्छी, जो नहीं खा कर पछताते, जो खा कर पछता रहे थे वही अच्छे है ना। हाँ लेकिन आपको ये चीज पता नहीं, देखो देखो ये प्रहलाद महाराज बच्चों को ये शिक्षा देते हैं, कहते बच्चों ये माया ऐसे है ना, ये ऐसे एक बील है। यहाँ पर नारद जी दक्ष प्रजापति बच्चों को पूछते हैं, मतलब बताओ तो ऐसे कौन सा बील है जो बील में एक बार घुस जाए कोई निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, बता सकता है कौन सा ऐसे बील है? बोले ये घर गृहस्थी है। अब स्वयं देख लेना, सामने एक समस्या, हम सोचते हैं किसी तरह से एक समस्या हल हो जाएगा ना, कोई चिंता नहीं, आप देखना एक समस्या तो हल हुई नहीं, सामने दूसरी समस्या खड़ी। फिर कोशिश करते हैं किसी तरह से एक समस्या हल हो जाए, फिर तो चैन मिलेगा, देखना वो खत्म तो नहीं हुआ, दूसरी समस्या आकर खड़ी हो जाती। घर घर में भगवान ऐसे ये माया बनाए है ना, जैसे हाथी दलदल में फंस जाती है, जितने कोशिश कर निकलने के लिए उतना ही फंसते फंसते जाते हैं। सोचते हैं बेटा बड़ा हो जाए हल हो जाएगा, बेटा बड़ा हो गया शादी हो जाए फ्री हो जाएगी, शादी हो गया, लेकिन अभी तक तो कहीं सत्संग में घर में घूमने जाते थे कहीं तीर्थ में, बहू आ गया तो घर से निकल नहीं पाते, बोले डोकरी कहाँ कहाँ घूमते रहती है, कोई काम धंधा नहीं। फिर अगर सोचते हैं भैया अगर घर में नाती पोती हो जाए ना, फिर तो कोई चिंता नहीं, जितने नाती पोती हो गया और जितने हाथ फ्री था और भी ज्यादा फंस गए। फिर बुढ़ा बड़ी को बहुत भी ताना मारेगी, कोई काम धना नहीं, बैठ बैठ के रोटी खाती, बच्चों को भी देख नहीं पाती है। अब देखना जितने निकलना चाहोगे, इसलिए प्रहलाद महाराज बच्चों को कहते, बोले बच्चों, बोले एक रात जो
ये संसार घर गृहस्थी माया को साथ में जीवन बिताते, एक रात भी मरने का पहला तक भी उसको भूल नहीं पाती, वो स्मृति को भूल नहीं पाती। इसलिए शास्त्र कहता है भैया एक जीवन भगवान को दे करके देखो, क्योंकि जो संसार ये जन्म जन्मांतर में यही करते आए और कुछ तुमने नहीं किया, वही शादी किया हर्ज कुत्ता कुत्ती जीवन में, जिस जीवन में गए शादी हुए दो चार बच्चे के मर गए, और जिंदोर क्या किया, अभी भी ऐसे ही दो चार बच्चे करके मर जाओगे, इससे ज्यादा करोगे किया। इसलिए हमारे गुरु वर्ग कहते हैं भैया एक जीवन इसको स्टॉप करो, इसको बंद करो एक जीवन, क्योंकि संस्कार अच्छी बनेगी तुम्हारी, नहीं तो फिर वही माया के संसार में फंस रहोगे। इसलिए जो हरी हरी घास है ना, मतलब ये संसार माया, ऊपर से लगता है बड़ी सुंदर संसार, क्या प्यारी स्त्री, क्या सुंदर पति, बड़ी सुंदर है, लेकिन जैसे ऊपर सोने का कलसी है ना, हाथ अंदर में डालो तो जहरी जहर है, और उसको अंदर में कुछ जहर के बगैर कुछ है नहीं। इसलिए हमारी गोस्वामी लोग क्या कहते हैं, बोले संसार दाबा नलली ढलो का त्राणायकारुणा घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गोनर्नवश्च वन्दे गुराश्री चरणारविन्द। इसलिए समस्त सारे शास्त्र कहता है ये संसार नहीं, ये दवा नल, ये आग जल रही है, संसार में आग जल रही है, और हरी हरी घास देख करके जीव क्या सोचता है, धीरे 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 संसार में प्रवेश करते हुए जैसे मकोड़े होते हैं ना जाल बनाता है, और जाल बनाते बनाते ऐसे फंस जाता है उसमें प्राण त्याग दे देता है जीव भी उसी संसार में। ये संसार घर गृहस्थी करते 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 दल दल में ऐसे फंस जाते हैं मरने का तक, वही अंतिम समय में वही चिंतन करते 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 उसमें जीवन चल जाती है। इसलिए गो भी गया मतलब गो मतलब इंद्रियां, ये इंद्रियां संसार का विषय को हरे हरे देखते देखते अंदर में घोर जंगल में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने पर क्या होता, फिर कंस का चार क्या किया, चार तरफ में आग लगा दिए, बोले संसार भी कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ससुर से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई पड़ोस से दुखी, पूछ लो सबको। माताजी लिख रही है माताजी लिख रही है, इसलिए सब दुखी दुखी है। हाँ, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम का दास। इसलिए चारों तरफ में आग लग गई, लेकिन अभी तो हमारे संसार में आग लगी हुई है, लेकिन करना किया, यहाँ पर सिखा देते करना किया, चारों तरफ तो आग है। इतने में कृष्ण ने कहा भैया आंख बंद करो सखाओं को, मतलब क्या संसार तो फंसे हैं, अभी क्या करो, बोले आंख बंद करके खड़े हो जाओ। अगर अभी भी हम लोग आंख बंद करके ठाकुर जी का अगर स्मरण करे, ठाकुर जी ये संसार से गोपीनाथ ये संसार से हमें निकालो, है संसार से हमें गोपीनाथ निकालो संसार से, अगर आंख बंद करके अगर हम शरणागत हो जाए ना, जब उन्होंने आंख बंद कर दिए भगवान ने क्या किया, अग्नि को उन्होंने पान किया, तभी हमें टीकाकार लोग कहते हैं अभी कृष्ण का मुंह तो कोमल मक्खन खाने वाले कितने कोमल मुलायम, तो भगवान आग पान करेंगे फिर तो भगवान मुंह में आग कैसे पान करेंगे। इतने में क्या किया, भगवान की जो जोग माया ने किया कि उसने प्रकट होकर समस्त आग को पान कर लिया, किंतु नाम कृष्ण क्यों हुआ, आग आग तो जोग माया ने पान कर ली हैं, पर नाम कृष्ण क्यों हुआ, बोले कारण है देखना, अगर संसार में देखना अगर पति अगर घर में जितने संपत्ति किसका नाम पर, पति का नाम पर जितने प्रॉपर्टी, पत्नी के अगर जितना प्रॉपर्टी अगर शादी हो जाए उस प्रॉपर्टी का मालिक कौन बन जाता है, किसका नाम होता है, पंडित जी का नाम होता है, किसका नाम होता है, पंडित का नाम होता है, सेठ का नाम होता है। उसी तरह काम तो अग्नि ने की, जोग माया ने की, लेकिन नाम किसका पड़ गया, कृष्ण का नाम पड़ गया है, कृष्ण ने ये अग्नि को कृष्ण ने पान किया है। हाँ, यहाँ पर शिक्षा देते हैं अगर आंख बंद करके कृष्ण चरण में शरणागत हो जाए ना, उसने कृष्ण ने आग पान कर ली, जो आंख खुले ना देखा वहां पर नहीं मिले, मिले देखे बड़ी सुंदर पेड़ की बड़ी सुंदर सघन छाया, मीठी 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 हवा बह रही है, और गैया पगड़ा मार रही है, और सखा लोग वृक्षों के नीचे, मतलब है अगर हम भगवान की शरण में चले जाए, हे ठाकुर जी संसार से हमें निकालो ना, जब आंख खोल कर देखोगे ये माया की संसार में नहीं देखोगे, कहां पर दिखोगे,
गोलोक वृंदावन में राधा गोविंद के चरण में आपकी आपका दर्शन करोगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए यहाँ पर बंसी बट बहुत है। जैसे यहाँ पर तो एक भांडरी बट है, यहाँ पास में भी बंसी बट पास में, लेकिन हमारे पास में समय नहीं इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे। इसलिए यहाँ पर भी कृष्णा गोचारण करते थे। बंसी बट वृक्ष के ऊपर कृष्ण खड़े होकर के उन्होंने क्लिंग शब्द उच्चारण करते थे। कृष्ण तो क्लिंग शब्द उच्चारण करते थे, लेकिन हर गोपियां अपना अपना नाम को सुनती थी, गैया अपना अपना नाम को सुनती थी। जैसे हम लोग एक माला जप करते हैं ना, कृष्ण के पास में भी 108 मोती की माला है। हम किसका नाम करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम भगवान का नाम जप करते हैं, लेकिन भगवान किसका नाम जप करते थे? भले भगवान भक्तों का नाम जप करते थे। उनको पास में जो 108 मोती की माला थी, 108 ग्रुप इनकी गोपियां भी और इनकी गैया भी थी। जब सारे गैया को इकट्ठे करते थे, माला में दिखा माला निकाल कर देखते थे कौन सा ग्रुप की माला गैया आ गई। अगर कोई नहीं आए ना, फिर कृष्ण पेड़ के ऊपर खड़े होकर के फिर उन्होंने धवली श्यामली कृष्णा बोल करके फिर पुकार करते थे। जब पुकार कर पीली हैं ऐसे काली धबरी करते थे, लेकिन जब कृष्ण किसी गैया के नाम लेते थे ना, वो पूछ खड़ करके भागते हुए कृष्ण के पास में आता था। लेकिन जब आता था ना, दूसरे गैया मान कर लेती थी। बोले क्यों? बोले कृष्णा उसी गैया का नाम लेकर पुकारे, लेकिन कृष्णा तो मेरे नाम नहीं पुकारे। फिर कृष्ण करते क्या करते, उसी गैया का फिर नाम को लेकर पुकारते थे, फिर वो खुश हो जाते थे। इसलिए पास में बंसीवट है, यहाँ पर कृष्ण गोचारण स्थली, यहाँ पर कृष्ण रास भी रचाए। और जो श्रीदाम भैया, कृष्ण का जो श्रीदाम भैया है, कृष्ण जो ब्रज छोड़ करके जा रहे थे, श्रीदाम ने पूछा, कन्हैया तू कब आओगे? तेरे बगैर तो हमारी मन ही नहीं लगेगा है, तेरा बगैर तो मेरे मन नहीं लगेगा, तू कब आओगे? बोले आज जा रहा हूं, कल कंस को उधार करके परसों आ जाऊंगा। लेकिन कृष्ण गए, परसों बरसों बीत गया, कृष्ण आए नहीं। लेकिन कृष्ण चिंता में श्रीदाम भैया यहीं पर ही, कृष्ण जब आए ना महाप्रभु रूप में 5,500 साल तक बैठे रहे। कृष्ण आएगा तो जरूर हम जाएंगे, लेकिन कृष्ण तो आए नहीं, वहीं पर वो बैठे रहे, वहीं पर बैठे रहे। और कृष्ण चिंतन करते 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 कितना हजार साल बीत गया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए, उनको साथ में सब परिकर लोग आए, बोले उनका 8 विशेष सखा था, हाँ श्रीधाम वसुधाम अर्जुन मधुमंगल। बोले भैया श्रीधाम नहीं दिख रहा है, श्रीधाम भैया कहाँ है? बोले श्रीधाम भैया तो अभी यहीं पर बैठे हुए। बोले जाओ उनको ले करके आओ। इतने में श्री नित्यानंद प्रभु उनको लेने के लिए आते। बोले देखो अभी कन्हैया आ गए। बोले कन्हैया आ गए? बोले हाँ। बोले किस रूप में? बोले चैतन्य महाप्रभु का रूप में। बोले तू कौन हो? बोले मैं बलाई। बोले बलाई इतना नाटा सा तू? क्योंकि द्वापर युग का लोग ना लंबे चौड़े थे, धीरे धीरे लोग छोटे छोटे। बोले बलाई तो बहुत बड़े हैं, इसलिए तू इतने नाटा से कैसे? बोले नहीं, वही बलाई अभी मैं निताई बनकर के आया हूँ। बोले इसका प्रमाण दे। बोले क्या है? अब देखना, कभी कभी बच्चे बच्चे में खेलते हैं, ऐसे हाथ को ना दोनों ऐसे हाथ को लगाते और एक भागता है, एक पकड़ने के लिए पीछे दौड़ता है। बोले देखता हूँ अगर तू मेरे को पकड़ पाओगे ना, क्यों बलाई मेरे को पकड़ लेता था, दाऊ भैया मेरे को पकड़ लेता था, अभी देखता हूँ तू मेरे को पकड़ पाते कि नहीं। बोले और ये काम करो। बोले क्या? बोले तुम थोड़ा छड़ी को घुमाओ, जैसे बच्चे लोग आते ना गैया जो चलाते हैं उनके साथ में लठिया। बोले घुमाओ तुम लठिया थोड़ी सी, मेरे को पता कैसे दाऊ भैया घुमाते थे ऐसे। नित्यानंद प्रभु लठिया को घुमाए ना, भला तू तो लग रहे हो ऐसे, तू तो सचमुच से दाऊ भैया। बोले इसी कॉम्पिटिशन से पता चल जाएगा। बोले ठीक है। वह दोनों ऐसे हाथ को लगे करके यहां से श्री नित्यानंद प्रभु दौड़े और श्रीधाम भैया उनको पकड़ने के लिए दौड़े ना, पूरा यहां से भगाते हुए बंगाल ले गए, नवद्वीप धाम ले गए। और उनको पीछे भागते भागते चले गए कहां पर? नवद्वीप धाम चले गए। इसलिए यहां पर पास है बंसी बट है, इस जो स्थान है यहां पर ठाकुर जी की संपूर्ण। अब लोग तो वृंदावन जाते हैं, बोले कहाँ गए? बोले वृंदावन। बोले क्या देखा? बोले बांके भी आज। बोले फिर क्या देखा? ए बढ़िया टिकिया गोल गप्पे मिलता है और लस्सी बहुत, बस यही बांके भी आज। लेकिन नहीं, तो प्रेम मंदिर की टीयर भी आई। हाँ, अभी प्रेम मंदिर की प्रेम मंदिर का हाला भी आई इसलिए। लेकिन नहीं, ये जो स्थली है ना, ये भगवान की सही लीला स्थली है।
इसलिए हम वर मांगे ना ठाकुर जी को, नारद जी प्रभु आपने जहां पर लीला की अगर गुरु वैष्णव का अनुगत में कोई जाए वहां पर बैठे, बैठ करके जो धूल है वो धूल नहीं, उनकी लीला युक्त धूलि को कोई लगाए शरीर में, एक दिन हृदय काम क्रोध से मुक्त हो जाएगा, हृदय में एक दिन वो लीला प्रकाश होगा और वह व्यक्ति एक दिन ठाकुर की चरण में भक्ति को प्राप्त करेगा। इसलिए आप लोग बड़े भाग्यवान हो, सुंदर गोपाल प्रभु आप लोगों को बहुत कष्ट करके उन्होंने कितने महीना से परिश्रम करके आप सोच नहीं सकते है? आज जब जिस समय गाड़ी का ये हो रहा था ना, प्रभु हमें ये गाड़ी चाहिए, एक बार गाड़ी में बैठे वो नहीं, ये हमारे कंफर्टेबल नहीं, दूसरे गाड़ी चाहिए नहीं तो तीसरे, अभी कोई बस में आ रहे थे बोल रहे थे आपस आपस में लड़ाई कर रहे थे बस में, हमें ये सीट नहीं दिया, नहीं देखो लड़ाई नहीं करनी चाहिए, एक काम कर सकते जो हमारे भाई लोग है ना, जो पुरुष लोग है थोड़ा यंग है, आप लोग थोड़ा पीछे बैठ जाना, और जो थोड़ी थोड़ी माताएं जो वृद्ध है उनको थोड़ी सी आगे दे दिया कर, क्योंकि सो हमारी माँ है। बोले कोई वृद्ध नहीं, ठीक है हरे कृष्ण। इसलिए आप लोग थोड़ी सी ना, हाँ देखो प्रभु जी देखो आपको शायद पता नहीं प्रभु के दिमाग में कितने टेंशन है, उसका ये हो गया, अब घर में देखना दो चार व्यक्ति आ जाए ना आदमी पागल हो जाता है, क्या करना क्या खिलाना, इतने लोगों को लेकर चलना बहुत टेंशन है। मैं भी कभी पहले किया, मेरे को सारी बात बताए, मेरे को प्रभु जी कितना सबर आज देख रहा था, हमें ये घटना चाहिए, ये नहीं आया वो नहीं आया, अगर थोड़ी सी इधर उधर हुआ तो उल्टा पुल्टा सारे बोलने लग जाए, नहीं सब लोग आपस में सामंजस्य करके चलना, लड़ाई नहीं करना, और जो भाई लोग थोड़ी सी पीछे बैठ जाना और जो माताएं हैं उनको थोड़ी सी आगे बैठा देना, ठीक है। बोले निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। यहाँ पे अभी हम लोगों ने सुना कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ है, लेकिन अभी एक प्रश्न उठता है कि जब विवाह होता है तो विवाह के बाद स्त्री क्या करती है, पति के साथ जाती है वापस अपने घर जाती है, पति के साथ जाती है, तो विवाह हुआ तो राधा जी को कहाँ जाना चाहिए था, कृष्ण के साथ, लेकिन राधा जी तो वापस चली गई। दूसरा, जब विवाह होता है तो कन्यादान के बिना क्या कभी विवाह होता है, तो कन्यादान हुआ क्या, कन्यादान तो हुआ नहीं। फिर गुरुदेव बताते थे तीसरा कि जब विवाह होता है दहेज आदि दिया जाता है, दहेज दिया कुछ, तो इसलिए ये क्या है, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का अर्थ है कि ताकि कल को कोई ये ना बोले कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, लेकिन वास्तविक में राधा कृष्ण का परकिया रस ही है, परकिया रस का अर्थ है जिसमें राधा जी का विवाह किनके साथ हुआ है, आयन घोष के साथ हुआ है।